हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टावर पार्टी स्पीकर अंडर 3000 रुपीज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इन स्पीकर के अंदर आपको कैरियो का भी फंक्शन मिलता है, जिससे अगर आपके इसमें कोई गाना गाने वाला रहेगा तो आप गाना गा सकता है। अब क्या करें? हाँ, गाना गाओ। मेरा गाना इतना पसंद आया? तुम्हारा गाना सुन के भाग जाएगा। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ जितने भी स्पीकर इस वीडियो में, उनका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने लिए बाय भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओबेज MT600 ओबेज की तरफ से आने वाला काफी ज्यादा बढ़िया टावर स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 35 वॉट RMS टोटल आउटपुट के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो 5.0 के साथ आता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ऑक्सपोर्ट, USB पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक माइक इनपुट मिलता है। और आपको इसके अंदर FM मोड में मिलता है और एक छोटा सा डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे आप पता कर पाओगे सिस्टम कौन से मोड में। और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और ट्रेबल भी बढ़िया है स्पीकर का। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस है। अगर आपको वेल बैलेंस साउंड क्वालिटी वाला सिस्टम चाहिए था तो आप इस सिस्टम को कंसिडर कर सकते हो। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 2500 से लेकर 3500 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। ये ओबेज की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम है। अगर आपको लुक वाइज और साउंड क्वालिटी वाइज एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए था तो आप इस सिस्टम को कंसिडर कर सकते हो। जुक ग्लेडिएटर ये जुक की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 55 वॉट RMS टोटल आउटपुट के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो 5.1 के साथ आता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो ऑक्सपोर्ट, USB पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट, माइक इनपुट और FM मोड के साथ आता है। और इसके ऊपर आपको छोटा सा डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे आप पता कर पाओगे सिस्टम कौन से मोड में। और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेस एकदम अच्छा है, ये सिस्टम एकदम डीप बेस प्रोड्यूस करता है। वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है सिस्टम का और ट्रेबल भी बढ़िया है सिस्टम का। और इसकी लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपके मीडियम साइज के रूम को आराम से म्यूजिक से भर देगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते तो 2500 से लेकर 3300 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। ये जुक की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीकर है। ट्रॉनिका ध्वनि ये ट्रॉनिका की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 40 वॉट RMS टोटल आउटपुट के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो 5.0 के साथ आता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ऑक्सपोर्ट, USB पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट, माइक और इसके अंदर आपको FM मोड में मिलता है और एक छोटा सा डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे आप पता कर पाओगे सिस्टम कौन से मोड में। और इसके अंदर आपको इक्वलाइजर सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इसके EQ को चेंज कर सकते हो। और अगर हम इस सिस्टम की साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और ट्रेबल भी बढ़िया है सिस्टम का। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको साउंड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 1500 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। ये ट्रॉनिका की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीकर है। अगर आपका बजट 1500 रुपीज़ के अराउंड है और आप एक टावर स्पीकर परचेस करने का सोच रहे थे तो आप इस सिस्टम को कंसिडर कर सकते हो, आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट जता सकते हो। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।